हे गाइस, कैसे आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे हैं। तो आज क्या किया मैंने, सेम एज यूजुअल लास्ट वीक जैसा। तो आज मैंने मारा स्क्वाट्स। स्क्वाट्स का आज था अराउंड 255, बट थोड़े चेंजेस किए थे वेदांत ने, सो ही मेड इट 257.5 kg। मुझे लगा था थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ड्यू टू माई वार्म अप, अच्छा वार्म अप नहीं गया, बट सरप्राइजिंगली बहुत ईजी गया कंपेयर टू माई 260 kg और प्रीवियसली 250 मार था मैंने, उससे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ईजी गया। सो दिस वॉज इन द आर पी बॉल पार्क ऑफ 5.5 RPE के आसपास था कुछ ये। उसके बाद मैंने हमारा बैकडाउन सेट, पहले रुकिए, पहले आप अपना मेरा सेट देखिए, ये मेन सेट। कैसा लगा? लगा ना RPE 5.5 भी हो सकता है, बट रहने देता है RPE 5.5 पे। तो उसके बाद मैंने बैकडाउन सेट 222.5 kg फॉर 4 रेपिटेशन। सो वो था RPE 6 के आसपास, आप देख के ये सेट ज़रा। RPE 6 लगा, वो हो गया। उसके बाद वेट निकाला, थोड़ा बैठा मैं लाइक 10-20 मिनट्स बैठा फॉर रिकवरिंग। उसके बाद मैंने चालू किया बेंच, भूख भी लग रही है, और मैंने थोड़ा सा इंट्रा वर्कआउट भी खाया था, कैंडी वो आती है ना, कौन सी 25 रुपये की बहुत सारी कैंडी आती है ठेली में, वो खाया मैंने। मॉम बोल रही ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज नहीं थी, लेमन कैंडी थी वो। सो वो खाया मैंने। उससे पहले मैंने मॉन्स्टर पिया था आज, सो इसलिए शायद से वो मेंटल स्टेट बोला कि भाई मॉन्स्टर पिया है तो स्क्वाट अच्छा जाना चाहिए, स्क्वाट अच्छा गया। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे बेंच करने गया मैं, फिर से क्रैम्प आने लग गए, ओब्लिक्स पे क्रैम्प, अपर बैक से लेके लोअर बैक तक क्रैम्प। अभी तो रिलीफ मिला है, लास्ट सेट मतलब मेरा लास्ट बैकडाउन सेट था उसमें तो खतरनाक क्रैम्प आ गया था, तो ये मैंने बोला रहने देते उसको। मैंने पैर ऊपर करके विदाउट एनी लेग ड्राइव बेंच मारा, सो कुछ ना कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा, शायद से इसको मूव करेंगे डे को, नहीं तो देखेंगे आगे क्या होता है। आप मेरा बैकडाउन सेट देख के आओ, बैकडाउन नहीं, पहले आप मेरा टॉप सेट देख के आओ 160 kg पे। कितना RPE था वो, रुको ज़रा, RPE 8 था, बहुत डिफिकल्ट था ये। आप ज़रा देख के आओ मेरा टॉप सेट। डिफिकल्ट लगा ना, इससे मुझे चालू होते क्रैम्प आने के लिए, फीलिंग आती है ना क्रैम्प आने से पहले, वो चालू होते इसमें। सेकेंड सेट तो इजी गया। आप मेरा लास्ट सेट देख के आओ, बैकडाउन सेट 137.5 kg फॉर 5 रेपिटेशन। लास्ट लैप डर जाओगे, मतलब क्या ही है ये, था वो भी था RPE 8 के आसपास, आप देख के आओ फटाफट। देखा आपने, मेरा पैर ऑलमोस्ट क्या उठ गया था, ऑलमोस्ट मैं डोज पे आ गया था, इतना क्रैम्प आ रहा था बैक में। तो पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा, नीड टू फिक्स समथिंग इन माय न्यूट्रिशन। लगता है न्यूट्रिशन कुछ कमी है, बट प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, शायद से डेव को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि शायद से बोल रहा हूँ मैं, स्क्वाट का इतना इंटेंस होता है मेरा, फॉर मी मेरा लोअर बैक स्ट्रेन होता है, तो वाइल बेंचिंग आई कैंट गेट द शोल्डर्स इन टू द पोजिशन फॉर बेंचिंग, तो शायद से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत लोग इशू होता है स्क्वाट्स के बाद बेंच करने के लिए। सो मैं उनमें से एक हो सकता हूँ, और आज के लिए इतना ही था। परसों मिलो, परसों नहीं, परसों छुट्टी है, तरसों, दैट्स थर्सडे,
उस टाइम पे पॉल स्क्वाट्स करेंगे और क्लोज ग्रिप बेंच। तो आज मैंने मारा स्क्वाट्स 160 केजी फॉर 4 रिपीटेशन। पॉल स्क्वाट्स था, फर्स्ट रेप बहुत डिफिकल्ट था पॉज करने के लिए, भूल गया था पॉज करना। आप देख के एक बार पॉज स्क्वाट्स कैसे मारा मैंने। तो वो था पॉज स्क्वाट्स 160 फॉर 4 रिपीटेशन। बहुत टाइट रखना पड़ता है, पॉज करने का बहुत डिफिकल्ट होता है, नीचे से लगता है क्या हो जाएगा अभी, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा पॉज नहीं करता, बस जब तक वेट डेड नहीं होता, मूव नहीं होता, उसके बाद मैं ऊपर उठ जाता हूँ। मतलब समझता नहीं मुझे ज़्यादा पॉज का। सो उसके बाद मारा मैंने टच एंड गो बेंच क्लोज ग्रिप। सो उसका कितना था आज 120 केजी, आप देख के आइए वो कैसा लगता है आपको। कैसा लगा? सेकेंड सेट में, लास्ट सेट में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, यहाँ पे बार बार लग रहा था, जे हुप के बार बार लग रहा था, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसको, शायद से मैं प्रॉपरली सेटअप नहीं कर पाया था। सो बेंच हो गया और उसके थोड़े से एक्सरसाइज वर्कआउट होते छोटे मोटे, बट इम्पोर्टेंट चीज़ की आज मैंने थोड़ा सा शॉपिंग किया आज और कारपेट लेके आए, अनिकेत और मैं गए थे कारपेट लेने के लिए। सो आने वाले वीडियो में आपको देखेगा फुल ऑन कारपेट नीचे, ये दिख रहा है फ्लोर लकड़ी। सो यहाँ पूरा कारपेट आएगा, सो होपफुली फुल कंपटीशन का फील आएगा मुझे। ये कंपटीशन में भी ऐसे कारपेट यूज़ होते हैं, रेड कलर के नहीं, इट्स लाइक ग्रे कलर का कारपेट होता है। अब मैं एग्जांपल डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते होंगे ऐसे यूज़ होते हैं कारपेट ग्रे कलर के पूरे, बट मैं बस बीच में डालूंगा। सो देखते हैं कैसा लगता है, और अगर पसंद आया तो इस पर शायद से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कम्प्लीटली ऑन हाउ टू मेक अ गुड प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा और चेंजेस करने वाला हूँ प्लेटफॉर्म में। सो कल मिलते हैं, कल क्या है, कल है डेडलिफ्ट, तो कल मिलते हैं, जल्दी मिलो कल। कल कितना है 275 केजी, देखते हैं कल कितना मारते हैं, उस पर डिपेंड करता है, तो मिलो कल। व्हाट्स अप, कैसे आप लोग? तो आज है मेरा डेडलिफ्ट। सो आज मैंने मारा, मुझे मारा था एक्चुअली 275, तो आज मैंने मारा 277.5 केजी। आप देख के ये वीडियो। ये लगा मुझे अराउंड RPE 6, इजी लगा ऑफ द फ्लोर, तो बहुत मज़ा आ गया। बट जब भी मैंने लॉकआउट पे किया तो मेरा स्ट्रैप्स थोड़ा फट गया, दिखा था आपको, और लकीली इतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, इतना सा फटा, दिख रहा है क्या आपको, ओवर एक्सपोज्ड इमेज, हाँ इतना सा फटा, बट पूरा फटा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रैप का ये पूरे फटे नहीं है, ऐसे ही फटेगा, फटेगा तो सेफ्टी में फटेगा। इसके बाद स्ट्रैप्स यूज़ मत करना बिल्कुल भी, नया स्ट्रैप ले लो ऐसे फटने के बाद। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रैप पैर है जो फटा है, मोस्टली कभी फटते नहीं है स्ट्रैप्स, बट कभी कभी होता है फट जाते हैं स्ट्रैप्स, तो ये वाला फट गया है, बट कोई नहीं, मैंने नया लॉट से ले लिया एक, तो एकदम फ्रेश स्ट्रैप, वो तो पुराना हो गया था, एक दो साल हो गए थे स्ट्रैप्स को, अच्छा है।
ख़त्म हो गया स्ट्रैप्स, आई विल गेट न्यू फ्रेश वन, वो बहुत गंदे भी हो गए थे, तो वो हो गया। टॉप सेट में स्ट्रैप फटा, बट कोई नहीं, मुझे बहुत ईजी लगा RP E6। और उसके बाद मैंने मारा 235 kg। आप देखिए ज़रा कैसा लगता है। कैसा लगा पर्सनली बोले ना, ये तो मुझे और इजी लगा। तो ये था 235। मुझे थोड़ा वेट इंक्रीज करना था बट मैं जल्दी जल्दी में भूल गया, बट कोई नहीं। 235 kg फॉर 5 reps एट RPE 5, मतलब ये बहुत इजी लगा। मैंने नया टेक्निक यूज़ किया, बहुत लोग नीचे सांस लेते हैं, तो मैंने आज क्या किया, फोर्थ और फिफ्थ रेप पे ऊपर होल्ड किया, फिर मैंने सांस लिया और फिर नीचे गया, फिर टच होल्ड एंड पुश, ऊपर आके फिर सांस छोड़ा, फिर से ऊपर सांस लिया, फिर नीचे गया टच एंड गो। सो वो थोड़ा सा इजी लगा मुझे, उसमें इतना थका नहीं मैं, क्योंकि मुझे वापस रीसेट करने में मज़ा नहीं आ रहा। तो ये बहुत एफिशिएंट वे है मेरे लिए पर्सनली टू डू अ डेडलिफ्ट, दैट टू फॉर मल्टीपल रेप्स। सिंगल रेप्स का पता नहीं मुझे, बहुत लोग करते हैं टॉप टू बॉटम सेटअप, बोलने नहीं वाला, आपने देखा रहेगा सुमो लिफ्टर सा। देखा रहेगा आपने, ऐसे बहुत लोग करते हैं सुमो लिफ्टर में, तो उनके लिए इजी होता है टू गेट इन द पोजीशन। कन्वेंशनल लिफ्टर्स का पता नहीं मुझे, और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है पोजीशन में, तो इट्स बेटर मैं नीचे से ही पोजीशन लेता हूँ, और वो ईजी पड़ रहा है मुझे। बट मल्टीपल लिफ्ट्स में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो वो मैंने आज किया इम्प्लीमेंट, अच्छा लगा। सो आज का वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। और एक बात, अब मैं नीचे डाल रहा हूँ फ्लोरिंग, कारपेट ला रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये कारपेट, बहुत लंबा कारपेट है, मैंने वेट्स बाजू मूव कर दिया है, दिख रहा है क्या नीचे रखा है वेट्स। तो अभी ये पूरा खोलूँगा मैं और कारपेट चिपका दूँगा, चिपका हुआ नेल करूँगा, देखते क्या सीन होता है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में समझेगा क्या सीन होता है कारपेट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक अभी अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, ताकि आप लोग को मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई कारपेट लग चुका है प्लेटफॉर्म पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टिल देन सदा स्ट्रांग रहो, पीस आउट।